अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद महबूब आलम, आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि महिला डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पंपा सरकार ने आज मंत्री साहब को फूल के गुलदस्ता देकर मुबारकबाद पेश किया और सभी महिला दल यहां पर मौजूद है। आइए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़रूर देखिए। दीदी, आज आप यहाँ आए हैं और मंत्री साहब को फूलों से स्वागत किए हैं, क्या मैसेज देंगे मंत्री साहब को? সমস্ত নারী পুরুষ সমস্ত শাখা সংগঠনের জন্য উনি এখানকার ভূমিপুত্র হিসেবে বারবার ফিরে আসুক, মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করুক, উনার সহযোদ্ধা হিসেবে আমরা ভীষণ গর্বিত। আচ্ছা, এক বাত আর হ্যাঁ, আপ লোক মহিলা जितना महिला है दल सभी मेहनत करके बहुत ऊपर लेवल तक उसको पहुंचा है, जैसे कैबिनेट मंत्री एमआईसी जिसको बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो आप लोग के लिए क्या सोच रखे हैं मंत्री साहब? मंत्री साहब और बोले कुछ नहीं, कारण मंत्री साहब हमारे तो ऑलरेडी सब कुछ दिए रखे हैं और हमारा मंत्री साहब का से এত সুবিধা পেয়েছে, এত ফ্যাসিলিটি পেয়েছে বলেই আজকে মেরা নিজের সংসার পরিজন সামলে আজকে মন্ত্রী সাহেবের সাথে সমানভাবে সমান অংশীদারী হয়ে মিনিস্টারকে জেতানোর কাজে সহযোদ্ধা হিসেবে নেমে গিয়েছে। আমাদের কিছু লাগবে না, মন্ত্রী সাহেব আমাদেরকে না চাওয়াতেই আমাদেরকে দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট এখানে হাজির আছে, সকলকে জিজ্ঞেস করুন একই কথাই বলবে, মন্ত্রী সাহেব সবসময় আমাদের সাথে ছিলেন, পাশে ছিলেন এবং আগামী দিনে যে থাকবেন সেটা আমরা ভালো করেই জানি। गांव विलेज में लड़की जो है पढ़े लिखे है, वो लोग के लिए आप लोग क्या सोचेंगे? देखो, ये तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का तो चालू हो ही गया है, अपनी जाने এমন কি আমাদের যে মহিলাদের জন্য 500 টাকা এবং 1000 টাকা যে কথাটা চলছিল সেটাও অলরেডি প্রসেসিং চলছে। এছাড়া আমাদের জন্য বিভিন্ন দলের জন্য দুয়ারে সরকার দুয়ারে রেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আন্ডার প্রসেসিং মমতা ব্যানার্জি শুধু মুখে বলেন না, করে দেখা আর সেটাই এখন চলছে এবং আমাদের হাতে হাতে অলরেডি এসে পৌঁছে যাবে এবং আমরা সেই মতোই ব্যবস্থা করব। জি, বহুত বহুত শুকরিয়া আপনার। স্যার, জেসা কে आपको इस विधानसभा में खास करके एमआईसी से आपको दर्जा मिला है, खास करके अगर पंपा सरकार के बारे में अगर बात करेंगे सर, कि बहुत ही मेहनत से आप लोगों को जुटाया, इस पर आपको क्या मुबारकबाद पेश करेंगे सर? इनको क्या मुबारकबाद पेश करेंगे, इतना हमारे दल का जो है एक अच्छा वर्कर है महिला में और ये इस्लामपुर सब डिवीज़न रायगंज सब डिवीज़न पूरा जिला में जो है हर ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग की है। इसके लिए हमारे एक ही तो रिक्वेस्ट है इनको कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले और अब तक वर्क कर रही हैं, ये वर्क इसका कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू वर्क करते जो भी हैं वो अपने लिए करते हैं। आज अगर हम वर्क नहीं करते तो हमको 74,000 वोट से लोग नहीं जीता पाते, पाते क्या हम वर्क किए थे, इसलिए हमारे गायबन में भी जो है 74,000 वोट लीड हुआ है। जो भी करता है जो भी करती है अपना उसका एक तो जिस्ट होता है, जील होता है, उनका रिवार्ड उनको भी मिलता है, उनके समाज को भी मिलता है, उनके इलाकों भी मिलता है। हम यही बोलेंगे कि महिला हमारा मुख्यमंत्री है, पैर जो है तोड़ने के बाद भी उनका बीजेपी के लोगों ने उनको पैर तोड़ दिया, एक पैर लेकर के जो है गोल दे दी, तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह का खिलवाड़, इस तरह का महिला हमारे महिला में भी जो है होना चाहिए, हमारे यहाँ के महिला में। मुख्यमंत्री हमारा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा हमारा आगे लेशन है, मुख्यमंत्री हमारा रोल मॉडल है, हमारे माननीय ममता बनर्जी, उनको देख करके सारे महिला पुरुष को जो है संगठन का काम करना चाहिए। और फिर 2024 ये तो सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल 2024 है, वो भी जो है हम लोग जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टॉर्चर्ड क्लास से अपोजिशन है सारे लोग यूनाइट करने में ममता बनर्जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक अहम रोल होगा। और 2024 में हमारा यहाँ 2019 में हाफ सेंचुरी किया था, उसके बाद हाफ सेंचुरी एंड क्वार्टर सेंचुरी हो गया 74,000 2019 में हुआ था और मुझे उम्मीद है कि अब की बार 2024 में फुल सेंचुरी करके
हमारे यहाँ के एमपी को हम लोग जिताएंगे। उठा तो उन्हीं बोले छे ना, हमरा तो बोली नहीं, उन्हीं तो वड़ा तो निजे साफ हो गए। हाँ हमें यो ना कि हाफ आर साफ, हमें यहाँ बोलो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18টাতে যে 18টা সিট আমাদের লস আমরা করেছিলাম ওই 18টা গেইন করার চেষ্টা করব। গেইন করে ওই 18টা নিয়ে 42-এর মধ্যে 42টা করে আমরা চাইব যে সারা রাজ্য থেকে সারা ভারতে আমরা বিজেপি মুক্তি আমরা অমিত শাহ মোদী এদেরকে সরিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবাইকে নিয়ে সরকার গঠন করুক, এটা আমরা চাই। হ্যাঁ চব্বিশে আমরা একাই আসতে, সবাই মিলে আমরা আসব, যতগুলো অপোজিশন আছে যারা টর্চার আছে, যাদের ইডি যাদের সঙ্গে ইডি মিসবিহেভ করেছে, যাদের সঙ্গে সিবিআই টর্চার পেয়েছে, তারা এক মিনিট। স্যার সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভাইরাল হো রা কি মমতা ব্যানার্জি যে প্রাইম মিনিস্টার তক ভি লড়েঙ্গে? স্যার প্রাইম মিনিস্টার কে লিয়ে আগে লোক চাহেঙ্গে তো কিউ নহীং লোক। सबसे बड़ी बात हमारे बंगाल से अकेले हम लोग प्राइम मिनिस्टर के दावेदार नहीं हो सकते हैं। हमारा काम है मोदी जी को अमित शाह जी को हटाना, बीजेपी को हिंदुस्तान से दूर करना, बीजेपी को जो है हराना, और उसमें सारे फोर्स मिलकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के लीडरशिप में हम लोग 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। सर बोलते हैं सोशल मीडिया सुना दीदी ना कि प्रधानमंत्री এটা তো সবাই আমরা চাই, এটা আমরা সবাই চাই, আমাদের দিদি সারা ভারত চাই। এখন না এটা তো আমাদের যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আছে বড় ফার্স্ট ক্লাস বলবে, এটা তো আমি এখান থেকে বলতে পারি না। রাজ্য টার্গেট না, আমাদের ভারত টার্গেট, দেশ না, আমরা দেশ থেকে নিতে পারি, আমরা দেশে বিজেপিকে সরানোর জন্য, না বিজেপিকে সরানোর জন্য। তারপরে আপনার মোদিজি আর অমিত শাহজি এরা যে এত অত্যাচার ওই অত্যাচার এগেনস্ট আমরা যাব। স্যার যাতে যাতে আগে সওয়াল এই পুছেন আপসে স্যার, আরে হো গিয়া স্যার, মহিলা কে লিয়ে আপ লোগ আগে বাদ মে ক্যা সোচেঙ্গে স্যার? আরে মহিলা কে লিয়ে 500,000 রুপে কা জো হাম লোগ কাট দিয়ে হ্যায় তো, আর ফির 50% দিয়ে পুছেন হ্যায়।